गुजरात तैनात रहने वाले एसपी कामरान मुमताज, डीपीओ नारोवाल तैनात चंद रोज में गुजरांवाला डिवीजन के 3 इजला सियालकोट, गुजरांवाला और नारोवाल के डीपीओ तब्दील कर दिए गए। अब किसकी बारी, देखिए आवाज न्यूज पर आकाश न्याजी की इस रिपोर्ट में। में पुलिस अफसरान के तबादलों का सिलसिला जारी है। गुजरात में एसपी तैनात रहने वाले कामरान मुमताज को डीपीओ नारोवाल तैनात कर दिया गया है। गुजरांवाला डिवीजन में बतौर डीपीओ इनकी जिला नारोवाल में तैनाती की गई है और इससे पहले गुजरांवाला डिवीजन के 3 डीपीओ जो हैं तब्दील किए जा चुके हैं, जिसमें डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफ्फार कैसरानी जो है इन्हें भी तब्दील कर दिया गया है और इनकी जगह आतफ नज़ीर जो हैं इन्हें तैनात किया गया है, जबकि डीपीओ नारोवाल सैयद अकबर अली शाह को तब्दील करके कामरान मुमताज को डीपीओ जो है नारोवाल तैनात किया गया है। गुजरांवाला डिवीज़न के तमाम अजला जिसमें हाफिजाबाद, मंडी, बहावद्दीन, गुजरात शामिल हैं, इनकी डीपीओ की जो कारकर्दगी थी वो बेहतर होने के बायस अभी इन्हें तब्दील नहीं किया गया, जबकि डीपीओ गुजरात उमर सलामत और एसपी इन्वेस्टिगेशन इमरान रसाद जो हैं इनकी गुजरात तैनाती का 1 साल मुकम्मल हो चुका है। डीपीओ गुजरात जो हैं पंजाब भर में सबसे टॉप पोजीशन पर रहे हैं, जिनकी क्यादत में गुजरात पुलिस ने 1 साल के दौरान जो है दर्जनों जो गैंग हैं डकैत गैंग्स उन्हें गिरफ्तार किया है, करोड़ों रुपये मालियत का माल मसरूका बरामद करके असल मालकान के हवाले किया गया है। आरपीओ गुजरांवाला राव अब्दुल करीम के हवाले से ये बताया जा रहा है कि उनका तबादला जो है ये अमकान है कि माह अक्टूबर या अगले माह में होने का अमकान है। उनकी जगह तैनाती के लिए राणा फैसल और दीगर जो पुलिस अफसरान हैं उनके नाम लिए जा रहे हैं। आवाज़ न्यूज से मैं हूँ आकाश नेहरा। आवाज न्यूज, हर लम्हा बाखबर। हमारे चैनल आवाज न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिए।